मेरा ये सौभाग्य था कि आज मुझे प्रबोधिनी आने का अवसर मिला और कुछ समय मैंने बिताया इस पूरे कैंपस में। अद्भुत यहाँ का वातावरण है, इन हवाओं में कुछ बात है, अजीब तरह की ताजगी है। जैसा इस कैंपस के बाहर जो दुनिया है उससे एकदम अलग दुनिया यहाँ है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ये पूरा भारतवर्ष ऐसे ही होगा जैसे कि ये प्रबोधिनी का कैंपस है। मेरी स्टूडेंट से मुलाकात हुई जो कि यहाँ राजनीति, अच्छी राजनीति, और पॉलिटिक्स और राजनीति में फ़र्क है, एक दूसरे का सिनोनिम लगते हैं लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। और मैं ये सचमुच मानता हूँ, और स्पेशली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, कि ये लोग राजनीति को राष्ट्र सेवा मानते हैं, राष्ट्र निर्माण मानते हैं। तो राष्ट्र निर्माण वाली जो राजनीति है वो यहाँ सिखाई जा रही है। हमेशा इस देश में कहा जाता है कि अरे धर्म की राजनीति बहुत होती है यहाँ, धर्म की राजनीति बहुत होती है। पता नहीं होती रही होगी, हम बहुत साल गलत हाथों में रहे हैं, लेकिन अब मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब यहाँ धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ राजनीति का धर्म स्थापित किया जा रहा है कि राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति की अच्छाइयाँ क्या हैं, राजनीति कैसे एक पूरे के पूरे राष्ट्र को शिखर पर लेके जाती है। पिछले कुछ सालों में, पिछले 6-7 सालों में जिस तरह से इस देश ने तरक्की की है वो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं सिनेमा से हूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हमने बहुत तरक्की कर ली, तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलने वाले हैं ये उस ट्रेलर की असली पिक्चर बन के उभरेंगे। और हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, बहुत काबिल हाथों में है। मैं विनय सहस्रबुद्धि जी, आदरणीय विनय जी को इस बात के लिए जितनी बधाइयाँ दूँ कम है कि इस तरह के विजनरी हैं वो, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मामूली से मामूली चीज़ के लिए। आपको अगर एक दफ्तर में बाबू बनना है, कलम घिसनी है, तो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और जहाँ आपको राष्ट्र निर्माण करना है उसकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो ये जो पौध लगा रहे हैं विनय जी यहाँ, ये पौध आने वाले भविष्य में भारतवर्ष को बहुत सुखद और शीतल छांव देने वाली है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।